बाराही मंदिर उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में स्थित है, जो लोहाघाट नगर से लगभग 60 किलोमीटर वहीं नैनीताल जिले के हल्द्वानी से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। शक्तिपीठ मां बाराही का मंदिर, जिसे देवी दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, वहीं समुद्र तट से लगभग 1850 मीटर यानी कि लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। देवी दुर्गा में बसने वाली मां बाराही का मंदिर 52 पीठों में से एक माना जाता है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लगी पाटी विकास खंड के देवीदुरा में स्थित मां बाराही धाम अटूट आस्था का केंद्र है। आषाढ़ी श्रावण शुक्ल पक्ष में गढ़वाल, चम्याल, वालिक और लमगड़िया खानों के बीच भगवाल यानी कि पत्थर मार युद्ध होता है। देवीदुरा में बाराही मंदिर शक्ति के उपासकों और श्रद्धालुओं के लिए पावन और पवित्र स्थान है। यह क्षेत्र देवी का उग्रपीठ माना जाता है, इसे पूर्णागिरी की तरह माना जाता है। मां बाराही मंदिर का इतिहास जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, चंद राजाओं के शासन काल में इसे पीठ में चंपा देवी और ललज्जिया महाकाली की स्थापना की गई थी। तब लालजी वाली महाकाली को महर फर्तूनों द्वारा बारी बारी से प्रति वर्ष नियमित रूप से नरबलि दी जाती थी। बताया जाता है कि रोहिलों के आक्रमण के समय कत्यूरी राजाओं के द्वारा बाराही की मूर्ति को घने जंगल के एक भवन में स्थापित कर दिया गया था। धीरे धीरे इसके चारों ओर गांव स्थापित होने लगे और यह मंदिर आस्था का केंद्र बन गया। यह भी बताया जाता है कि पहाड़ के छोर पर खेल खेल में भीम ने शिलाएं भी यहाँ पर फेंकी थी, जिसमें दो विशाल शिलाएं आज भी मंदिर के निकट मौजूद हैं, जिनमें से एक को रामशिला कहा जाता है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर पांडवों ने जुआ खेला था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये स्थान वो काली के उपासना का केंद्र था, जहाँ किसी भी समय काली के गणों को प्रसन्न करने के लिए नरबलि की प्रथा थी। इस प्रथा को कालांतर में स्थानीय लोगों द्वारा बंद कर दिया गया। इससे पहले देवीदुरा के आसपास निवास करने वाले लोग वालिक, लमगड़िया, गढ़वाल और चम्याल वर्ग के थे। इन्हीं खामों से प्रत्येक वर्ष एक एक व्यक्ति की बारी बारी से बलि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में मां बाराही मंदिर में ये मान्यता है कि चम्याल खाम के एक बुजुर्ग की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद यहाँ पर नरबलि को बंद कर दिया गया था और बगवाल की परंपरा शुरू कर दी थी। इस बगवाल में ये चारों खाम रणभूमि में बिना जान की परवाह किए एक इंसान के रक्त निकालने तक युद्ध लड़ते हैं। भले ही कुछ सालों से बगवाल फल फूलों से खेली जारी हो, लेकिन उसके बावजूद भी योद्धा घायल हो जाते हैं, उनके शरीर से रक्त निकलता है। कहा जाता है कि पहले यहाँ पर बाराही देवी साक्षात विराजमान थी, बाद में उन्होंने अपना स्थान बदल कर अपना विग्रह यहाँ पर छोड़ दिया। मां बाराही के मुख्य मंदिर में तांबे की पेटिका में मां बाराही देवी की मूर्ति है, मगर इस पेटिका में रखी गई देवी की मूर्ति के दर्शन अभी तक किसी ने नहीं किए हैं। मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति देवी के दर्शन खुली आंखों से नहीं कर सकता, क्योंकि मूर्ति में इतना तेज है कि इंसान की आँखों की रोशनी जा सकती है। इसी कारण देवी की मूर्ति को ताम्र पेटिका में रखा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको मां बाराही देवी मंदिर के इतिहास को जानकर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।